थाना कोतवाली के जीआईसी चौराहे के समीप स्थित गोपी कृष्ण नर्सिंग होम में विगत दिनों महिला की मौत के बाद हुए हंगामे के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी शिकायत लेकर दर्जनों अधिवक्ताओं ने एसएसपी से मुलाकात की और उस मुकदमे को खत्म किए जाने की मांग की। शिकायत लेकर पहुंचे अधिवक्ताओं का आरोप था कि गोयल हॉस्पिटल, जो कि मथुरा के वरिष्ठ भाजपा नेता का है, उसमें आए दिन महिलाओं के मरने की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अस्पताल संचालक के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। हाल ही में अस्पताल की लापरवाही के चलते एक अधिवक्ता की पत्नी की मौत हो गई और अस्पताल संचालक द्वारा अधिवक्ता के खिलाफ थाना कोतवाली में मारपीट और तोड़फोड़ आदि धाराओं का मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके चलते अधिवक्ता समाज में रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने मुकदमे को खत्म किए जाने की मांग की। ऐसा है कि डॉक्टर डीपी गोयल के यहाँ पर एक हमारे साथी अधिवक्ता की पत्नी एडमिट हुई, पूर्ण होशो हवास में, छोटी सी एक इलनेस में भर्ती हुई। इन्होंने क्या किया, जो इमेच्योर लोग थे, अनट्रेंड लोग थे, उनसे एनेस्थीसिया उस लड़की को लगवाया और वो इतना हाई डोज लगवाया, विदिन 2 मिनट वो मर गई। ये नेग्लिजेंट का मामला नहीं, नेग्लिजेंट एक्ट हो, ये तो इंटेंशनली डेथ का मामला है। हो सकता है उन वकील साहब से उनकी कोई ईर्ष्या हो, जलन हो और कोई चक्कर हो, वो भी बीजेपी का आदमी है और वकील, तो इनको ऐसा लगता हो मेरे पद प्रतिष्ठा में कुछ कभी कह दिया हो, उसकी पत्नी को मरवा दिया। और एक पुलिस ने क्या बदमाशी की, सीओ राकेश यादव हैं, दुर्भाग्य से मेरे मित्र भी हैं, ठीक हैं सब बातें, पर इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, इसमें डीपी गोयल के साथ पार्टी बन करके हस्तक्षेप किया, व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके वहाँ वकीलों को उस दिन धमकी दी गया, धमकाया, तुम्हारे खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर लूँगा। डॉक्टर के पास जा करके उससे नाजायज रूप से लाभ प्राप्त करके उन्होंने केस 384 का और छोटी मोटी मारपीट का दर्ज कराया। 384 एक्सटॉर्शन है, इसमें क्या है, चौथ वसूली जिसे कहते हैं, जिसकी बीवी मर गई हो, 25 साल का 26 साल का लौंडा हो, जिसकी बीवी 23 साल की हो, जिसकी लाश को लेकर जलाने जा रहे हैं, वो चौथ वसूली की मुकदमा करेगा, इससे चौथ वसूली के लिए जाएगा। ये IMA की मीटिंग हो गई, उसमें CEO हाजिर है, अखबार कहता है, मैं नहीं कहता, CEO पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो हमने SSP मथुरा से अभी कहा इन CEO महोदय को जांच से अलग करिए, हस्तक्षेप से अलग करिए, किसी भी सूरत में वकील के खिलाफ हुए मुकदमे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर दो, जो वकील की पत्नी की हत्या हुई है, अगर वो लापरवाही पूर्वक कार्य है, उसके लिए दंडित किया जाए, अगर वो इंटेंशनली एक्ट है, सघन विवेचना की जरूरत है। वकील समुदाय में बड़ा भारी रोष है इसके लिए और हम इस एक्ट की घोर भर्त्सना करते हैं, पुलिस के एक्ट की भी घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं कि इन्होंने वकील के खिलाफ, उसके साथियों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज करा दिया। काय के लिए करा दिया भाई, प्रेशर बनाने के लिए, दोनों झंझट में पड़ जाएंगे, अपने अपने केस को करेंगे, अंत में कहेंगे राजीनामा कर लो। ऐसा नहीं होगा, निश्चित रूप से जिसने जो एक्ट किया है, अगर वकील ने किया है, वकील के साथियों ने किया है, हम भी जेल जाएंगे, नहीं किया है तो मुकदमा एक्सपंज होगा, फर्जी FIR कराने का मुकदमा में इसके खिलाफ जो वादी हैं DP गोयल एंड अदर्स, उनके खिलाफ चार्जशीट आवेगी। आपके इन चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं, सरकार BJP की है, मैं भी उसी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरा जो वकील है वो भी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, DP गोयल भी है, इसका मतलब आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अगर पार्टी के जीचा जो मुकदमा दर्ज करा देंगे, फर्जी करा देंगे, वकीलों को बंद करा देंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।